फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कलंज जी बात करें अगर कम्युनिटी बाज़ार की, तो कम्युनिटी बाज़ार में सबसे पहले आपसे एग्री कम्युनिटीज़ के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि हाल ही में मसालों में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। आपने मसालों में पहले ही तेज़ी की संभावना जता दी थी कि मसालों में तेज़ी देखने को मिलेगी आगे, वही तेज़ी हम अब बनते हुए भी देख रहे हैं। चाहे जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, लगभग सारे ही मसाले अच्छी तेज़ी की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने लाल मिर्च के ऊपर भी कहा था, काली मिर्च में भी बताया था, उसमें भी हमने तेज़ी बनती हुई देखी थी। अब यहाँ से सबसे पहले बात करें अगर धनिये की, तो धनिये में आज देख रहे हैं कि वायदा में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है अब धनिये का बाजार यहाँ से किस तरफ हो जाता है? देखिए, धनिये के ऊपर हम लगातार तेजी 7,000 और 6 के स्तर से लगातार हम तेजी की बात कर रहे हैं, और धनिये ने लगभग 30% से अधिक की तेजी पिछले कुछ सप्ताह में ही दिखाई दी है, 3-5 से 6 सप्ताह में। यदि अभी आपको याद होगा कि हमने आपको अपने प्रोग्राम्स के में आपको अग्रिम आगाह भी किया था कि इस बार रबी की फसलों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। तेज बर्फानी, बर्फीली हवाएं, शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि ऑयल सीड्स हैं या जो मसाले हैं उनके बिजाई के गणित हमारे पास उपलब्ध हैं, उसकी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन ईश्वर कि जो मर्जी है वो उसका आकलन और विश्लेषण सबसे पहले होना होता है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देखें और आगे भी कुछ समाचार ये और सूचनाएं यही हैं कि फसलों को नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। मेरे पास कुछ राजस्थान के आंकड़े हैं, यदि आप देखें तो यदि जिलेवार हम देखें, झालावाड़ जिले में लगभग 70 से 80% फसलों को नुकसान की संभावना नजर आ रही है। अजमेर जिले में लगभग 6,500 हेक्टर के अंदर फसलों को नुकसान की सूचना मिल रही है, और अजमेर जिलों में लगभग 30% फसलों को नुकसान है। और यदि नागौर जिले के अंदर भी देखें, वहां भी नुकसान की सूचना है, और झालावाड़ के अंदर तो धनिये एवं सरसों में भारी नुकसान मिल रहा है। तो झालावाड़ जिले के अंदर इस समय जो सरसों, कलौंजी, लहसुन, गेहूं, अश्वगंधा जैसी फसलें खड़ी हैं, और यहां पर ओलावृष्टि हो रही है, और यहां से किसानों का मानना है कि लगभग 60 से 80% का नुकसान है। और अजमेर के अंदर चना, सरसों, गेहूं, जो ये जो खेत इस समय लहरा रहे थे, चना एवं सरसों में लगभग 6,500 हेक्टर के अंदर नुकसान होने की सूचना मिल रही है। टोंक जिले में देखो, राजस्थान के अंदर मैं क्यों आपको बार बार इस राजस्थान की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि ऑयल सीड के अंदर सरसों में सबसे ज्यादा योगदान, यानी लगभग 35% का जो योगदान है वो सरसों का, वो राजस्थान से आता है। टोंक जिले के अंदर सरसों, गेहूं, जौ, मसूर, चना, यहाँ भी फसलें खड़ी हैं, यहाँ से पाले से कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन ओलावृष्टि से जरूर 30% से फसलें खराब होने की सूचना मिल रही हैं। तो लेकिन कुछ जिले जो हैं उसके अंदर फायदा भी रहा है, झुंझुनू के अंदर कुछ फायदा रहा है, यहाँ पर ओलावृष्टि थोड़ी कम है, तो अच्छा जो चना सरसों की फसल को फायदा है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर भी जो बारिश हुई है उससे गेहूं, सरसों, जो चना आदि के अंदर फायदा रहेगा हुआ है, क्योंकि किसानों को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी अब कुछ समय तक ओलावृष्टि से। हालांकि कोई नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मावट से रवि की फसलों को लाभ भी मिला है सवाई माधोपुर के अंदर। तो दोस्तों, ये मिश्रित है, लेकिन कुल मिला के ये मैं कह सकता हूँ धन की आने वाले कुछ समय के अंदर जो बर्फीली हवा, शीतलहर, पाला और ओलावृष्टि और होने की संभावना है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने आपको पहले भी चेताया था, अब भी आपको बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण और चेतावनी दी थी। तो कुल मिला के जो मसाला पैक है उसके अंदर धनिये के अंदर मुझे और तेजी नजर आती है, और जो भी किसान या कारोबारी इसके अंदर कारोबार करते हैं वो धैर्य से माल रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको अभी भी 30-35% का निचले स्तर से बहुत शानदार मुनाफा हुआ है, और आगे इसमें और होने की संभावना बन सकती है। ये अखिलेश जी, जी तो यानी कि कर्नल जी के मुताबिक धनिये में अगर व्यापारी थोड़ा माल रोक लें
तो उनको आगे जाके काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अभी अच्छा मुनाफा तो वर्तमान में मिल ही रहा है, आगे जाके भी धनिया कारोबारी शानदार रिटर्न कमाते हुए देते हुए अच्छा मुनाफा लेते हुए नज़र आ सकते हैं।